पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिले के सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि झारखंड सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कदम उठाया गया है लॉकडाउन किए जाने का पूरे झारखंड को 23 मार्च से लेकर के 31 मार्च उसके सभी नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करें। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं। पूरे जमशेदपुर जिले में धारा 144 लगाई गई है। कहीं पर भी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ रहना पूरी तरह से वर्जित है। सभी तरह की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, मॉल इत्यादि को बंद किया गया है। अनावश्यक रूप से घरों से बिल्कुल ना निकलें, प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करें। केवल आवश्यक सेवाएं जो हैं, जो प्रेस मीडिया, मिल्क की दुकानें, राशन की कुछ दुकानें या मेडिकल की शॉप्स इत्यादि, केवल इनको बंदी से मुक्त रखा गया है। अगर बहुत ज़रूरी काम से आप आवश्यक सेवाओं के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो अकेले ही निकलें, किसी भी प्रकार से ज़्यादा संख्या में बिल्कुल ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और इन नियमों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर महामारी रोग अधिनियम 1897 और IPC की धारा 188 के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रकार के सार्वजनिक जो परिवहन के साधन हैं, टेम्पो, टैक्सी, ई रिक्शा, बस इत्यादि को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। COVID-19 कोरोना वायरस के बारे में किसी भी प्रकार की अनऑथराइज जानकारी को शेयर ना करें, किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर आप 104 पर डायल कर सकते हैं, 100 डायल पर सहायता ले सकते हैं, लेकिन इस जो लॉकडाउन है इसका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। और पुलिस पर रोड्स रहेगी, चेकिंग भी हम लोग करेंगे